देश विदेश की कई मशहूर हस्तियों के नाम से बाजार में बिकने वाले इत्र और सेंट की लिस्ट में अब मोदी के नाम के भी बाजार में इत्र बिकना नजर आएगा। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड में उगने वाले तिमूर के पौधे से बने इत्र से होगी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में औषधीय गुणों वाले कई पेड़ हैं। इनके साथ ही यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे से कई सौंदर्य उत्पाद और कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें सगंध पौधा केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके चलते आज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सेलाकुई से सगंध पौधा का निरीक्षण किया, साथ ही यहां आयोजित एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक प्रसारों के न सिर्फ किसान को नई पहचान मिली है, बल्कि उनकी आर्थिकी को भी सुधारने का मौका मिला है। बताया कि इन पौधों से बने सुगंधित तेल और परफ्यूम आज एक नए मुकाम बना रहे हैं। कहा कि यहाँ के तिमूर से बने परफ्यूम का नाम मोदी के नाम पर होगा, जो एक अलग पहचान बनाएगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। किसानों की तमाम समस्याओं को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र कैंप सेलाकुई ने सार्थक पहल की है, जिसमें कि सगंध खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के माध्यम से कृषक बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सगंध पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टरों के में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टर भूमि पर सगंध फसल जैसे लेमन ग्रास, मिंट, डेमेस्कस रोज, तेजपात, कैमोमिल आदि का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इनसे काफ़ी कुछ किसानों की इनकम बढ़ेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर है उसको भी उत्तराखंड के अंदर आने का मौका मिलेगा। और आजकल परफ्यूमरी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे फ्रांस के अंदर गॉस जाने का मौका मिला और वहाँ मैंने देखा किस प्रकार से लोग एसेंस बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, रूह बना रहे हैं। तो ये सब कन्नौज में होता था, आज एक उसका मिनिएचर जो है हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, तो किसानों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। ये आज का जो कार्यक्रम था स्पेसिफिक जो उत्तराखंड में मैंने जो हमारे सुगंध बना रहे हैं उनके प्राकृतिक रूप से इसको रूबरू कराना था हमें परफ्यूमरी उद्योग से, ताकि वो यहाँ के जो हमारे पारंपरिक नैसर्गिक जो पौधे हैं उनसे खुशबू आती है, उनका इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट में करें, प्रोडक्ट में करें, उससे हमारे किसान हैं उनका जो इकोनॉमिक्स है वो बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। उसी से फोकस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये हिमालय माइनर एसेंस लाइन पर, उसमें एक एक ऑयल को आप परखेंगे, सूंघेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ फिट कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। और लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं, वे सब सुबह से आज भी पूरा देख रहे हैं। मऊ वाला फार्म भी जाकर पौधे भी देखे हुए वाले कैसे कैसे होते हैं।